मैं दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल में रेड ग्रेवी मलाई कोफ्ते की रेसिपी, जो कि लाजवाब बन के तैयार होता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि आपने और मैंने रेस्टोरेंट में ज़रूर ऑर्डर की होगी। गैस कीजिए, चलिए मैं ही बताती हूँ आपको। आज मैं बनाने वाली हूँ रेड ग्रेवी में मलाई कोफ्ता। अगर आपको ये आज की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो के नीचे लाइक के बटन को क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आइए मिलके बना लेते हैं रेड ग्रेवी मलाई कोफ्ता। यहाँ दोस्तों सबसे पहले हमें कोफ्ते बनाने हैं, जिसके लिए एक बड़ा बाउल लेंगे। ग्रेटेड पनीर है, 300 ग्राम पनीर है। 3 आलू हैं जिन्हें हमने कद्दूकस किया हुआ है। इसके हमें कोफ्ते बनाने हैं, तो सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ग्रेटेड पनीर डाल देंगे, उसके बाद इसमें हम डालेंगे कद्दूकस किया हुआ ये आलू। दोस्तों ये कोफ्ते बहुत ईजिली बन जाते हैं बिना झंझट के, तो आलू डाल देंगे। इसके बाद इसमें बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे, साथ ही इसमें ग्रेटेड अदरक डाल देंगे, या आधा चम्मच अदरक है। अदरक का फ्लेवर कोफ्ते में अच्छा लगता है। 2 से 3 मिर्ची हरी मिर्च हैं बारीक कटी हुई। नमक डाल देंगे 1/4 चम्मच, क्योंकि ग्रेवी में भी हम नमक डालेंगे तो बैलेंस करके मिक्स करें। अच्छे से मिला लें सारी चीज़ों को। जब सारी चीज़ें दोस्तों अच्छे से मिक्स हो जाए, इसके बाद इसमें हम डाल देंगे अरारोट। आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। यह मैंने 1 बड़ा चम्मच अरारोट का डाला है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे मिक्सचर को। तो हमारा मिक्सचर तैयार है कोफ्ते बनाने के लिए। इसका थोड़ा सा एक बॉल्स बना के मैं कढ़ाई के अंदर फ्राई करके डालूंगी, ये चेक करने के लिए कि कोफ्ता कढ़ाई में जाके हमारा फूटेगा तो नहीं। तो थोड़ा सा आप डाल लें, अगर आपको लगे ये फूट रहा है तो थोड़ा सा उसमें अरारोट और मिक्स कर सकते हैं। तो इसे फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों हमारा जो मिक्सचर है बिल्कुल परफेक्ट है, वो पहचान है। ये देखिए बॉल अच्छे से फ्राई हो गया है तेल के अंदर। तो बाकी अब हम इसके बॉल्स बना लेंगे। बॉल्स बनाना चाहे बॉल्स बना लें, मैं थोड़ा लंबी शेप में इसे बनाने वाली हूँ। मैंने पहले भी एक मलाई कोफ्ते की रेसिपी बनाई थी वाइट ग्रेवी में, उसमें मैंने बॉल्स बनाए थे, वो बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ था। आप उसे ज़रूर देखें मेरी रेसिपी को। तो साथ ही मैं सभी कोफ्ते इस तरीके से बना के तैयार कर लूँगी। ये देखिए दोस्तों वाइट ग्रेवी और रेड ग्रेवी में अंतर ये रहता है कि उसके अंदर हम टमाटर यूज़ नहीं करते हैं वाइट ग्रेवी में, बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सब सेम होती है। इस तरीके से सभी कोफ्ते हम तैयार कर लेंगे लॉग शेप में बना के। तो ये देखिए कोफ्ते हमारे लॉग शेप में बन के तैयार हो चुके हैं, अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। दोस्तों कोफ्ते फ्राई करने के लिए तेल का जो टेम्परेचर है वो मीडियम टू हाई होना चाहिए, लो नहीं होना चाहिए, वरना कोफ्ता हमारा फूट जाता है। इस तरीके से सभी कोफ्ते को हम फ्राई कर लेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। और एक बार डालने के बाद एकदम से इसमें कोई झंडी ना लगाएं। ये देखिए कोफ्ता हमारे बन के बहुत अच्छे से तैयार हुए हैं। ये देखिए दोस्तों बहुत बढ़िया, आप इसे हरी धनिया की चटनी या केचप के साथ भी खा सकते हैं। साथ ही अब इसकी ग्रेवी बना लेंगे। तो मैंने एक नॉनस्टिक कढ़ाई ली है, उसमें 1 बड़ा चम्मच तेल का डाला, 1/2 चम्मच जीरा है, दालचीनी है, 2 तेज़पत्ते हैं, 1 चक्रफूल है, और ये हरी इलायची भी है। साथ ही सारी चीज़ें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से, ताकि जो खड़े मसाले हैं इनकी एक अच्छी खुशबू आ जाए। अब इसके अंदर प्याज, साथ ही इसमें डाल देंगे हम अदरक और लहसुन। उसके साथ इसे हम सब चीज़ों को फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा गोल्डन कलर आने तक इसे हमें फ्राई कर लेना है, इसमें एक अच्छी खुशबू आने शुरू हो जाए और उसके साथ ही थोड़ा सा गल जाए। नमक डाल देंगे, नमक डालने से प्याज जल्दी से गलता है। काजू डाल देंगे इसमें हम 1 बड़ा चम्मच, काजू डाल के भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे, काजू पे एक अच्छा सा कलर आ जाए, अच्छे से पक जाए। उसके साथ ही इसमें अब हम डाल देंगे टमाटर। तो यहाँ दोस्तों टमाटर हैं, हरी मिर्च है, ये भी इसमें मिक्स कर लेंगे और अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो यहाँ दोस्तों ये सब्ज़ी बहुत फटाफट बन के तैयार होती है। आपको लगेगा लंबी प्रोसेस है, लेकिन आप यकीन मानिए बहुत अच्छी भी बनती है और कम टाइम में बन के तैयार हो जाती है। और इसके साथ इसमें बाकी मसाले ऐड करेंगे। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, हल्दी ना के बराबर डालेंगे। धनिया पाउडर डालेंगे 1/2 चम्मच। इसके साथ ही इसमें हम डाल देंगे लाल मिर्ची 1/4 चम्मच। इसके साथ ही इसके अंदर डल जाएगा कश्मीरी लाल मिर्ची, जिसका कलर और फ्लेवर दोनों बढ़िया आते हैं। यहाँ दोस्तों सभी चीज़ों को अच्छे से पका लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे, ताकि इसमें एक अच्छा सा कलर आ जाए। मसाला अच्छे से भुनना चाहिए। 1/2 कप इसमें किचन किंग मसाला डालेंगे, जिसका फ्लेवर सब्जी में बहुत अच्छा आता है। गैस ऑफ कर देंगे और 1 कप पानी डाल के इसका एक पेस्ट बना लेंगे स्मूथ बिल्कुल, ताकि सिल्की ग्रेवी बने हमारी। तो वही कढ़ाई हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा हम अमूल का बटर डाल देंगे। आप चाहें तो अमूल बटर की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। कश्मीरी लाल मिर्ची डाल देंगे,
और बटर को और कश्मीरी लाल मिर्च को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब फ्लेम यहाँ लो रखें ताकि ये चीज़ हमारी जले ना। उसके साथ ही इसमें हम ग्रेवी डाल देंगे जो हमने पेस्ट बनाया हुआ था, और अच्छे से ग्रेवी को इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ दोस्तों मैं जार जो है उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के और डाल रही हूँ, क्योंकि हमें कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। ग्रेवी डाल के ग्रेवी को अच्छे से पकाएंगे। यहाँ फ्लेम को लो टू मीडियम रखें ताकि ग्रेवी अच्छे से पक भी जाए और हमारी ग्रेवी जले ना कढ़ाई के अंदर। लगातार चलाते रहेंगे और आप यकीन मानिए इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखिए कितनी स्मूथ ग्रेवी हमारी बन के तैयार हुई है। अच्छे से चलाएंगे, जितना ग्रेवी पकेगी उतना ही इसमें अच्छा फ्लेवर आता है। यहाँ दोस्तों ग्रेवी के अंदर हम 1/4 चम्मच चीनी के दाने डालेंगे जो कि इस ग्रेवी के टेस्ट को और इन्हेंस करता है। 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। इसके साथ ही इसमें हम डाल देंगे हाथ से क्रश करके थोड़ा सा कसूरी मेथी, जो कि सब्ज़ी में एक अच्छा फ्लेवर भी देता है और इसमें एक अच्छी रंगत भी लेके आता है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को डाल के। ये देखिए दोस्तों बहुत बढ़िया ग्रेवी बन के तैयार हुई है। आप इसमें शाही पनीर भी डाल सकते हैं तो वो शाही पनीर बन जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा मैं क्रीम से गार्निशिंग कर दूँगी ताकि हमारी ये सब्ज़ी एक शाही लुक दे। ये देखिए दोस्तों ग्रेवी बन के तैयार है, गैस ऑफ कर देते हैं। अब इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे कोफ्ते के ऊपर। कोफ्ते ग्रेवी के अंदर नहीं डालेंगे, कोफ्ते के ऊपर ग्रेवी डालेंगे। इस तरीके से अब इसे हम सर्व करते हैं। आप इसे चपाती के साथ, लच्छे परांठे के साथ, गार्लिक नान के साथ खाएं, सभी के साथ इसका स्वाद बहुत ही बेहतरीन लगता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो के नीचे लाइक के बटन को क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होती है एक ऐसी ही रेसिपी के साथ। तब तक लिए टेक केयर एंड बाय बाय।